मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात तक नशे के खिलाफ हल्ला बोला गया, बजरंग दल का हल्ला बोला गया है। देर रात तक बजरंग दल ने थाने का घेराव कर दिया। देर रात तक पब संचालन का विरोध देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा किया, पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया, कई कार्यकर्ताओं को किया है गिरफ्तार। तो इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात हंगामा देखने को मिला। जानकारी देने नशे के खिलाफ बजरंग दल ने हल्ला बोल दिया, बजरंग दल ने थाने का घेराव भी कर दिया। देर रात पब संचालन का विरोध किया गया, तो चूंकि पब संचालित देर रात तक होते हैं, जिसका विरोध बजरंग दल की ओर से किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा किया है, ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तो इंदौर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां देर रात तक पब संचालन के खिलाफ बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पलासिया थाने का घेराव करके ज्ञापन सौंपा, जिसमें देर रात तक पब के संचालन का विरोध किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, साथ ही कई कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। अब ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए किस तरीके से बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इनको रोकने के लिए, चूंकि देर रात इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया, तो यही वजह रही कि पुलिस ने इनको रोकने की पूरी कोशिश की, और उसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया। तो बजरंग दल ने थाने का घेराव कर दिया, और इसी दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें आपको जानकारी दे दी कि कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। अचानक ही जो है पलासिया चौराहे पे आ गए, और यहाँ रास्ता जो है तीन चार से जो है जाम की स्थिति पैदा हो गई, और परेशान थे। पुलिस के द्वारा इनको बार बार समझाइश दी गई, और समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग कर उनको। सर, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए सर। जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस के जवान भी कुछ घायल हुए हैं, कुछ चोटें आई हैं, उनका भी मुलाया किया जाए। काफी जो है जो विधिवत कार्रवाई है, कुछ भी कार्रवाई